तो दोस्तों आईपीएल 2023 का आठवां सबसे बड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में शिखर धवन के तूफान से उड़ गया राजस्थान रॉयल्स और 100% हारा हुआ मुकाबला गब्बर की आतिशी पारी से पंजाब को लास्ट बॉल तक मैच में बनाए रखा। दोस्तों बताएंगे आपको पूरे मैच के हाईलाइट इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें आईपीएल 2023 के आठवें सबसे बड़े रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमों के कप्तान संजू सैमसंग और वहीं दूसरी तरफ शिखर धवन टॉस के लिए मैदान में आए। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसंग ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन को बैटिंग करने की चुनौती दे दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंजाब टीम के कप्तान शिखर धवन पहले बल्लेबाजी करने आए और उनके साथ ओपनर बल्लेबाज तरफ सिमरन मैदान में उतरे, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई कर डाली कि जिसकी कल्पना राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसंग ने सपने में भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम शिखर धवन को रोकने का मास्टर प्लान बना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ परफ सिमरन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग की 90 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें परफ सिमरन ने 34 गेंदों में 7 चौके और 3 तूफानी छक्कों की मदद से 60 रन ठोक दिए। फिर उसके बाद राजस्थानी कप्तान संजू सैमसंग ने अपना चतुर दिमाग चलाते हुए वेस्टइंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर जेसन होल्डर को 10वां ओवर फेंकने को कहा और जेसन होल्डर ने 10वें ओवर की 4थी गेंद पर प्रभ सिमरन को जोश बटलर के हाथों कैच करा दिया। और सिमरन के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा, जो अच्छे से ये जानते थे कि अब कप्तान शिखर धवन का साथ देना है। और वहीं दूसरी तरफ सिमरन के आउट होते ही कप्तान शिखर धवन ने गब्बर का रूप धारण कर लिया। सिमरन के आउट होते ही गब्बर ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दी और जितेश शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए शानदार 68 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। लगभग 15 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये जोड़ी खतरे की घंटी बजा रही थी। इसी बीच संजू सैमसंग ने टीम इंडिया के एक बेहतरीन स्पिनर युजवेंद्र चहल को 16वें ओवर की जिम्मेदारी दी और युजवेंद्र चहल ने 16वें ओवर की 4थी गेंद पर जितेश शर्मा को रियान पराग के हाथों कैच करा दिया। जितेश शर्मा ने अपनी छोटी सी पारी में 16 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 169 के स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाए थे। और जितेश शर्मा के आउट होने के बाद पंजाब किंग्स के लिए कोई बड़ी साझेदारी नहीं हुई। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा 2 बॉल पर 1 रन बनाकर अश्विन का शिकार हो गए और उसके बाद मैदान में आए शाहरुख खान कोई ज्यादा खास नहीं कर पाए। उन्होंने 10 बॉलों में 11 रन बनाए और जेसन होल्डर ने जोश बटलर के हाथों कैच करा दिया। लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू आज गब्बर को नहीं रोक पाए। ओपनिंग करने आए शिखर धवन 20 ओवर तक अकेले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की धुनाई करते रहे। राजस्थान के खिलाफ T20 मुकाबले में नाबाद 56 गेंदों में 84 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल गए, जिसकी वजह से पंजाब किंग्स 20 ओवर में 197 रनों के बड़े स्कोर तक पहुंच गया और 197 रनों में 118 रन मात्र 26 गेंदों में पंजाब किंग्स की टीम ने 19 चौके और 7 छक्कों की मदद से बनाए थे। दोस्तों उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम 198 रनों का पीछा करने उतरी, जिसमें संजू सैमसंग ने बड़ा दांव खेलते हुए अपने दो धाकड़ ओपनर जयसवाल और रविचंद्र अश्विन को मैदान में भेज दिया। हालांकि दूसरे ओवर में तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स को 13 रनों के स्कोर पर पहला विकेट दिला दिया, जिसमें जयसवाल ने 8 गेंदों में 1 चौका और 1 तूफानी छक्के की मदद से 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद रविचंद्र अश्विन भी बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह की गेंद पर शिखर धवन के हाथों कैच हो गए। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 26 रनों पर 2 विकेट गवा दिए और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जोश बटलर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जोश बटलर 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी तरह राजस्थान रॉयल्स के 5.4 ओवर में 57 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद आए चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसंग ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। हालांकि संजू की इस तूफानी पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स बड़े रनों के दबाव से निकलने ही वाला था, लेकिन इसी बीच नेथन एलिस की गेंद पर संजू सैमसंग अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों 198 रनों का पीछा करते हुए संजू सैमसंग ने 25 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाए थे और संजू सैमसंग के बाद आए रियान पराग ने आते ही 2 गगनचुंबी छक्के लगाए,
लेकिन 15 ओवर की पहली गेंद पर नेथन एलिस की पहली गेंद पर रियान पराग आउट हो गए और राजस्थान रॉयल्स ने 121 रनों पर अपना पांचवा विकेट गवा दिया। अब दोस्तों यहां से राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें बढ़ चुकी थी। राजस्थान रॉयल्स को अभी भी 35 गेंदों पर 77 रन बनाने थे। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स टीम की अब आखिरी उम्मीद हिटमैन पर टिकी थी, लेकिन पंजाब किंग्स के बेहतरीन गेंदबाज नेथन एलिस ने राजस्थान की रही सही उम्मीद को भी अब खत्म कर दिया। उन्होंने हिटमैन को शाहरुख खान और करण शर्मा के हाथों रन आउट करा दिया और इसी तरह पंजाब किंग्स इस रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से इस मैच को जीतकर पॉइंट टेबल पर 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर आ गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।